اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اقرا صلواتك مع عدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم مولانا سيد احمد تاجي صاحب الكرام ومعزز حاضرين وقدر سامعين, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. आज की ये पुरनूर बाबरकत महफिल हुज़ूर नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब और चहीते सहाबी और अहले बैत के इमाम हज़रत हैदर कर्रा मौला अली मुश्किल कुशा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के योम विलादत की मुनासबत से मुनक़द की गई है। अल्लाह ताला का एहसान है कि परवरदिगार ने हमें इस जिक्र में शरीक होने और आपका जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। मौज़ूर हाज़िरीन, सहाबाए किराम में, अहले बैत किराम में, अजीम तरीन शख्सियतों में जिन बुजुर्गों का शुमार होता है और जिनके दम से इस्लाम के ज़ाहिरी व बातिनी फैज़ सारे आलम में आम हुए, उन्हीं मुक़द्दस तरीन हस्तियों में से एक हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात पाक है। आप की फजीलत तमाम सहाबाए किराम में दो तरह से आया होती है। वैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम सहाबा हैं तो अहले बैत किराम भी सहाबा हैं, क्योंकि जिन मुकद्दस शख्सियतों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हयात तैयबा में ईमानी हालत में देखा या उनके सोबत इख्तियार की वो सहाबी कहा है और उनका मरतबा उनकी शान उनकी अजमत क्या है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही जुमले में इरशाद फरमा दिया कि मेरे सहाबा के बाद वाले उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी खैरात करें, तो उस फजीलत को नहीं पा सकते जो सहाबा इकराम ने आधा सा जौ यानी सवा किलो की मकदार में जौ गेहूं वगैरह खैरात किया। ये फजीलतें इन मुकद्दस हस्तियों को हासिल हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत इख्तियार की और उस काफिले के जो सालार हैं एक तो आपकी निस्बत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबियत के तौर पर है तो दूसरी आपकी निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खानदानी निस्बत है, जिसके मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़ति यौम अल-क़ियामति इल्ला सबबिन व नसबिन व सिद्दी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन हर तरह का सबब व नसब, सबब यानी वो रिश्ता जो किसी वजह से हो, जैसे मिसाल के तौर पर गुलामियत को कहते हैं, दौरे जाहिलियत में गुलाम पाए जाते थे, बागी पाए जाते थे, तो ये सबब है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी गुलाम हैं जैसे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके शहजादे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला और हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बांदी या गुलाम होने की निस्बत रखना सबब है और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खानदानी निस्बत रखना, जैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अमजद या फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और उनके शहजादे, ये सब के सब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में शामिल होते हैं। और एक जुमला हुज़ूर ने भी इरशाद फरमाया वसीली यानी मेरा ससुराली रिश्ता। तो हाज़िरीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ व उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ससुराली रिश्ता हासिल, यानी ये दो मुकद्दस सहाबाए किराम खुलफाए राशिदीन में से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर हैं
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे दो खुलाफा हुए थे उस्मान रज़ी अल्लाह अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इन हजरात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दामादी का रिश्ता हासिल है। इसके अलावा तमाम अहले बैत किराम में और तमाम सहाबा किराम में खानदानी और नसब के तौर पर देखा जाए तो जितना करीबी रिश्तेदारी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है किसी और की उतनी करीबी रिश्तेदारी एतबार नसब में नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक सहाबियत का भी है और आपका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक दामादी का भी है और आपका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक चचेरे भाई होने यानी खानदानी रिश्ते का भी है। तो इस तरह कई एक निस्बतें जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमाते और तमाम अहले बैत किराम में जिन बच्चों से हुजूर सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं वो हजरत हसन तमाम अहले बैत किराम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन शहजादियों में सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं वो हजरत अली रजी अल्लाह हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला बाकी शहजादियां सरकार की शहजादियां उनका मकाम और मर्तबा आला है लेकिन महबूबियत का अगर इत्तेबा किया जाए तो सैयदा कायनात हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि तमाम उम्मत में सबसे ज्यादा मर्दों में महबूब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला और तमाम उम्मतुल मोमिनीन यानी सरकार के अज़वाज मुतहररात में सबसे ज्यादा महबूब हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला है मगर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला के बाद। पहला हाजिर इकरा ये अहले सुन्नत व जमात का इत्तेदाली तरीका एक फर्म यही है कि अहले सुन्नत व जमात के बाजू को जमाते हैं और दाएं को जमाते हैं। तो दाएं जमात में हम ना घुसेंगे ना बाएं जमात में घुसेंगे। हर इतिहास से अगर देखा जाए तो तवासुद इत्तेदाल और जिसका जो मर्तबा है उस मर्तबे को मानना और तस्लीम करना यही अहले सुन्नत जमात की आला है। तफरीक नहीं होगी और ज्यादती नहीं होगी, इफराद नहीं होगा, तफरीक भी नहीं होगी, ना कमी ना ज्यादती, किसी किस्म का कोई मामला नहीं होगा। तवासुब के साथ में जो महब्बतों का अकीदतों का गुलदस्ता हमें दिया गया है हमारे अकाबिर और बुजुर्गों से हदीब-ए-किराम माशाल्लाह ये अजीब और पुरनूर महफिल हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला के नाम पाक से मंसूब है और आज का दिन सूरज जैसे गुरूब हुआ बड़ी बरकतों वाला दिन है। हजरत मौला कायनात रजी अल्लाह तआला का यौमे विलादत 13 खासियत का माना यह है कि एक में पाई जाए तो फिर वो दूसरे में नहीं होती, इसको खासियत कहते हैं। मिसाल के तौर पर आलिम बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ उलमा ऐसे होते हैं कि उनके जैसा कोई और नहीं होता। मुफ्ती बहुत होते हैं लेकिन खास ऐसे मुफ्ती होते हैं कि फिर उनके जैसा कोई नहीं होता। हर एक में एक खासियत होती है। डॉक्टर्स आप देखिए कि शहर में सैकड़ों क्या हजारों की तादाद में डॉक्टर्स हैं लेकिन सारे शहर में अगर डॉक्टर की जब बात आती है तो 20-25 लोगों के नाम सर फहरिस्त रहते हैं, फला डॉक्टर अच्छा है, फला डॉक्टर अच्छा है, फला डॉक्टर अच्छा है। तो मतलब ये उनकी खासियत है, उनके सिवा किसी और में नहीं पाई जाती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को भी ऐसी खासियत अता फरमाई, अहले बैत किराम को भी ऐसी खासियत अता फरमाई, एक को अता फरमाई तो वो दूसरे में नहीं थी, दूसरे में थी तो वो तीसरे में। ऐसे हर सहाबी में कोई ना कोई खासियत। हजरत सैयदना मौला अली रजी अल्लाह तआला की चंद खासियतें मैं आपको बयान करना चाहूंगा, बहुत सारी हैं कि आप में है किसी और में नहीं, आपके लिए खास है, पूरी दुनिया में आपके सिवा कोई और वैसा नहीं है, कोई और वैसा नहीं है। वो खासियत जो हजरत सैयदना मौला अली रजी अल्लाह तआला में पाई जाती है, सबसे पहली बात
قرآن مجید میں صرف ایک آیت ایسی ہے کہ اس پر سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی نے عمل نہیں کیا. قرآن شریف میں جتنی آیتیں ساری آیتوں پر سبوں نے عمل کیا جتنے پاک اللہ کے بندے گزرے, لیکن ایک آیت ایسی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا کسی نے عمل نہیں کیا. حتیٰ کہ بڑے اکابر اجنہ صاحب اکرام خلفاء راشدین میں صدیق اکبر ہوں, فاروق اعظم ہوں, عثمان غنی ہوں, مقام مرتبہ شان عظمت قربت وغیرہ کے اعتبار سے اعلیٰ ہے, لیکن اس کے باوجود ان بزرگوں نے بھی اس آیت پہ عمل نہیں کیا. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, کہ اے ایمان والو جب تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی عرضی پیش کرو, خاص باتیں جو کسی اور کو سنانا نہیں چاہتے حضور کو بتانا چاہتے ہیں, تو اپنی گفتگو پیش کرنے سے پہلے اپنی عرضی پیش کرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ دو, خیرات کرو. یہ آیت پاک نازل ہوئی. یہ آیت پاک جیسے نازل ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے, دیگر اور صحابہ کرام بھی تھے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ تم مجھ سے اگر بات کرنی ہے تو اللہ کے راہ میں پہلے خیرات کرو. تو وہاں جتنے صحابہ کرام تھے ان کے پاس پیسے نہیں تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دینار تھا, ایک دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے, ایک دینار تھا. آپ فوراً بازار گئے, اس ایک دینار کے 10 درہم بنا دیے, چاندی کے سکے دینار کے بدلے میں آپ نے 10 چاندی کے سکے خرید لیے. دیکھیے تدبیر کس کو کہتے ہیں, حکمت کس کو کہتے ہیں. اسی لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی الباب, کہ میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ. جامع ترمذی کی حدیث پاک, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکمت کی تعریف فرمائی وہ کون سی حکمت ہے, دیکھیے کیسی حکمت, یعنی جب ایک فضیلت اور خصوصیت حاصل ہونے کا موقع ہوتا ہے فوری ذہن کام کرے کہ کس طریقے سے میں اس فضیلت اور خصوصیت کو ایک بار نہیں 10-10 مرتبہ حاصل کروں. اس لیے آپ نے فوراً جو دینار تھا اسے فروخت کر دیا, 10 درہم بدلے میں لیے, 1 درہم اللہ کے راہ پہلے خیرات کیے, آج کل کرے گی مجھے میرا اس کو آیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سوال کا جواب عطا فرمایا. اس طرح آپ نے 10 سوال کیے, 10 جواب حضور نے عطا فرمائے, ادھر جواب مکمل ہونا تھا وہ آیت منسوخ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, کہ ایمان والوں حضور کی خدمت میں اپنی عرضی پیش کرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے صدقہ کرنے سے اگر تم استطاعت اس کی نہیں رکھتے اور اسے اس کے مطابق اپنے دل پہ گرانی محسوس کرتے ہو تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ یہ حکم اٹھا لیتا ہے, تو کیوں بھی بات کر سکتے ہیں, کیوں بھی گزارش پیش کر سکتے ہیں. جب وہ پہلی آیت نازل ہوئی تو تقدیم بین یدی نجواکم صدقہ, یہ آیت جب نازل ہوئی تو جتنے صحابہ اکرام کو معلوم ہوا تقریباً ایسے حضرات ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا, ان کے دل پہ گرانی گزری, ارے اگر پیسہ ہو تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی, کہ ہماری کمائی خاص طور پر اصحاب صفا, اصحاب صفا یہ وہ شخصیتیں ہیں غالباً 70 سے کچھ زیادہ شخصیتیں ہیں صحابہ اکرام کی, کہ یہ اپنی کمائی وغیرہ نہیں کرتے, کاروبار نہیں کرتے, اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر مصروف تھے, کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے. آج کل لوگ کاروبار نہیں کرتے ہیں تو مانگنے لگتے ہیں, وہ مانگتے تو بڑی بات کسی پر اپنے چہرے سے بھی اظہار نہیں کرتے تھے کہ وہ بھوکے ہیں پیاسے ہیں, زبان تو بڑی بات ہے, زبان سے اظہار تو کرنا ان کے لیے غلط کی بات ہے, چہرے سے بھی ثابت نہیں کرتے, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے سامنے بیٹھے ہوئے رہتے تھے, جیسے حضور تشریف لائے صاحب بناتے تھے, احادیث سنتے اور دوسروں کو سنایا کرتے تھے, علم پھیلانے کا کام انہوں نے کیا ہے. تو یہ صحابہ اکرام کو بڑی فکر ہوئی کہ ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا, دینار نہ درہم, پھر ہم کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود رہے, کیسے سوال کریں, تو اس لیے وہ دوسری آیت نازل ہوئی. تو حاضرین مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ خاصیت ہے اس آیت پاک پر, قرآن میں ایک آیت ایسی ہے سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کسی نے عمل اس پر نہیں کیا, موقع ہی نہیں آیا کسی کو. تو یہ فضیلت اور خصوصیت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ 1,24,000 صحابہ کرام میں اس کو تلاش کرنا چاہیں گے تو نہیں ملے, خاصیت اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا تھا آپ کو مل گئی,
तो मेरा हाजिर निकला मस्जिद बहुत सारी खसूसियतें और इनमें से एक और खासियत जो हजरत सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला की जात पाक में पाई जाती है, जैसे दूसरे और सहाबे के आपके लिए भी खासियतें हैं, मिसाल के तौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के बारे में सरकार ने फरमाया कि मस्जिद में खुलने वाले सारे दरवाजे बंद कर दिए जाए सिवाय अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे के, कि उनका दरवाजा मस्जिद में खुल सकता है। ऐसी और भी हजरात के लिए खासियतें, लेकिन हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो ये नेमत मिली वो किसी और को नहीं मिली, जैसे दूसरे सहाबा इकराम को जो खास नेमत मिली थी वो किसी और को नहीं मिली। उनमें से हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला के बारे में सरकार ने फरमाया, ऐ अली आपको मैं इजाजत देता हूँ कि आप गुस्ल के हाजत मंद हो तो भी मस्जिद में से गुजर सकते हैं। अगर ये नापाकी की हालत में किसी भी मुसलमान को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं है, जो मुसलमान ही नहीं है वो तो नापाकी होता है। कुरान मजीद कहता है इन्नमल मुशरिकू नजसुन फला यक्रबुल मस्जिद अल हराम बादा अमीन हादा, कि जो मुसलमान नहीं है वो नापाक है, आज के बाद वो मस्जिद हराम में ना आए। मस्जिद हराम से मुराद सारी मस्जिदें, उसके तहत में सारी मस्जिदें दाखिल हो जाती हैं, जिक्र वहां पर मस्जिद हराम का किया गया। तो ये तो गैरों के लिए हुक्म है, लेकिन मोमिन गुस्ल की हालत में मस्जिद में दाखिल हो सकता है। अगर वो बेगुस्ल है नापाक है तो मस्जिद में आने की उसे इजाजत नहीं है जब तक कि पाक ना हो जाए, गुस्ल ना कर ले। सारे सहाबा इकराम में सारे अहले बैत पाक में ये खासियत सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाह तआला की है कि आप हमको गुस्ल की जरूरत भी हो, मैं नहीं कहता नापाक भी हो, ये लफ्ज मैं नहीं कहता, कोई कह ले पहले उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं कहता गुस्ल की आपको हाजत हो, क्योंकि शरीर तौर पर गुस्ल की जरूरत वो तो हर एक के लिए लाजिम है। तो हाजत अगर गुस्ल की है तब भी हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने मस्जिद में रह सकते हैं, मस्जिद में से गुजर सकते हैं। ये शान अल्लाह ताला ने हजरत सैयदना मौला अली रजी अल्लाह तआला को अता फरमाई, जो आदि से पाक सही मुतबर सियासता वगैरह की है खुसूसियात के मुताबिक मैं वो आपके वजह मुदार कर रहा हूँ। अली ने किराम यहाँ से अंदाजा हो सकता है कि हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला का मकाम मुतबर अल्लाह ताला के पास क्या है। मस्जिद की सरजमीन पाक सरजमीन होती है, बावजू आदमी भी वजू करके जब मस्जिद में दाखिल हो तो उसके वजू के कतरे मस्जिद के फर्श पर टपके तो भी बेदबी कहलाएगी। बावजूद आदमी जो पाक होके आया है उसके वजू के कतरे भी अगर मस्जिद के फर्श पे गिरे तो ये फर्श की बेदबी है मस्जिद की। अब आप गौर कीजिए हजरत मौला अली का मकाम क्या है और कैसे बातहारत है, तहारत का मेयार क्या होगा इसका अंदाजा करें, कैसे पाक है के जरूरत भी अगर है गुस्ल की तो मस्जिद में रह सकते हैं, मस्जिद से गुजर सकते हैं, एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर जा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला को अता फरमाया। उन्हीं में जुमला आपकी खासियतों में से बहुत सारी खासियतें हैं जो सिर्फ आपके लिए बनाई गई किसी और के लिए। उनमें से हाजिरीन हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह तआला को फरमाते हैं कि नमाज तहज्जुद के वक्त या ऐसे वक्त में जब के किसी भी मुसलमान के घर में दाखिल होने से घर के अफराद को भी बिना इजाजत दाखिल होने से मना किया गया। कुरान मजीद में आता है ऐ ईमान वालों तुम अपने घर में जब दाखिल हो जाओ तो इजाजत दो, खास तौर पर वो तो आप लोगों के लिए जो इजाजत लेके घर में आए, लेकिन खुद घर का फर्द भी बाप के ना हो भाई क्यों ना हो घर की खातून क्यों ना हो वो भी अगर घर में दाखिल हो तो किसी भी वक्त दाखिल हो सकते हैं, मगर तीन वक्त खास तौर पर इजाजत देना बेहद जरूरी है। तीन वक्त वो क्या है, नमाज फजर के वक्त, जुहर के बाद और इशा के बाद, क्योंकि ये तीन ऐसे अवकात हैं इसमें लोग आमतौर पर आराम करते हैं। आराम करने वाला आदमी उमूमन काफिर होता है, उमूमन काफिर होता है कि बेसतरी ना हो जाए, इस वजह से इजाजत देकर कराने की घर के फर्द को भी लाजिब कर दिया गया कि वो इजाजत दे। इन तीनों हाजिर है इकराम, लेकिन हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार हुजूर के दरे अकदस में एक मर्तबा में दाखिल हुआ, दाखिल होने से पहले रात के यानी तहज्जुद का वक्त था, गालिबन आपने दस्तक दी तो हुजूर ने फरमाया कौन अली है, अर्ज करते हैं कि जना या रसूलुल्लाह, तो सरकार ने फरमाया ऐ अली आपको इजाजत है, आप बिना इजाजत जब चाहे आ सकते हैं।
आप बिना इजाजत जब चाहे आ सकते हैं। तो सरवर अमिया अब्दुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अकदस में इजाजत के बगैर जिनको आने की इजाजत है वो सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाह तआला। ये खासियत है सैयदना मौला अली रजी अल्लाह तआला। आदरणीय निगरान आप इन चीजों पर गौर करते हैं। जैसे आजकल हमारा माशरा बहुत सारी चीजों पर गौर करता है, जब खाते हैं तो नमक कितना है, मिर्ची कितनी है, क्या फर्क आ गया, किस बाबरची ने बनाया, क्या इस सारी फिक्र तो होती। लेकिन हमारे असलाफ और बुजुर्गों को जो नेमतें दी गई उन नेमतों उनकी फजीलतों पर भी ऐसे ही गौर करना चाहिए कि खाने पीने की अशिया पहनने ओढ़ने की चीजों में गौर फिक्र करने से जाहिर बदन अच्छा होता है और बुजुर्गों को दी गई नेमतों पर गौर करने से दिल पाक और साफ होता है। उनकी अजमतें उनके उनकी रिफ़अतें जब दिल में अपना मकाम बना लेगी तो दिल को तहारत मिलती है, हमारे दिलों को पाकीज़गी मिलती है। हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने ये भी खासियत है कि आदमी कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे सहाबी इकराम के मुंह में अपना दुआ के दर डाला। बहुत सारे सहाबी इकराम के मुंह में अपना दुआ के दर डाला। बुखारी की तो 5-6 रिवायत में तो सामने आ जाती है, किताब और बुजुर्गों के नाते बहुत सारे मौजूद हैं। लेकिन पैदा होते ही दुनिया की खिजाओं और पीने की अशिया में एक कतरा जिनके पेट पे दाखिल ना हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ के दहन जिनके पेट में दाखिल हुआ वो सिर्फ हजरत अली मशक्कत के बगैर फजीलत मिलने वाली
मशक्कत के बगैर नेमत मिलने वाली नहीं। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला तीन दिन तक भूखे रहे तो ऐसी नेमत मिली कि फिर किसी और में वो खासियत नहीं पाई गई। एक मौला अली ने दुनिया जिनके बारे में कहा जा सकता है कि दुनिया में सबसे पहले जिनके बदने मुबारक में लुहाबे दहन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगर किसी के बदने मुबारक में गया तो वो हजरत अली। तो माजर हाजरी बाकी जितने और दीगर सहाबा इकराम पैदा हुए कफर हजरत के अब्दुल्लाह बिन जुबैर अब्दुल्लाह बिन उमर वगैरह ऐसे कई हजरत ने खुद हसन ने करी मैं तो अल्लाह तआला हुमा इन सब को जो भी नेमत ने अता फरमाई वो आगे जाना अता फरमाया, लेकिन सब बाद में पहले हजरत अली रजी अल्लाह का। और वो भी यूं कह लीजिए कि नहार जो चीज नहार खाई जाती है उसमें खासियत होती है, दवाई के तौर पर परहेज के तौर पर यह खास नुस्खा दिया जाता है। तो नहार रू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाद जहन आपको मिला है। बहरा हाजिर नहीं करा, अब लुआब की खासियत क्या होती है मैं आपको एक थोड़ी बताना चाहूंगा। गालिबन इससे पहले आपने सुना होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हुजूर की खिदमत में आए, अर्ज करने लगे हुजूर सारे बदन पे जख्म हैं पड़े, लाख इलाज कर दिया गया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब जहन उनके बदन पे मल दिया तो उसी वक्त सारे जख्मों से शिफा मिल गई, जख्म सूख गए, न सिर्फ ये बल्कि बदन से खुशबू भी निकली। और एक कुआं खाली खाली खारा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन डाल दिया तो मीठा हो गया। और एक कुआं ऐसा भी था कि वो घटा हुआ था यहूदियों में और मुसलमानों में, जिस जानिब मुसलमानों की थी उसने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें लुआबे दहन डाला तो एक तरफ का कुआं मीठा दूसरी तरफ का खारा था। ये लुआबे दहन की खासियत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो गौर कीजिए कि सबसे पहले हजरत अली रजी अल्लाह तआला के बदन मुबारक में सरदार का लुआब दहन दाखिल हुआ तो फिर क्या कमालात मौला अली के जिस्म पाक में आ गया, कैसी कैसी नेमतें होंगी इसका दावत है। बहरा हाजिर के नाम एक खासियत है हजरत सैयदना मौला अली रजी अल्लाह तआला, आपका लक़ब है हैदर, अरबी में हैदरा कहा जाता है। आपकी वालिदा माजिदा हजरत फातिमा बिन से अलग असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उनके पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत फरमाते हैं इस चची से, इतना कि जब उनका विसाल हुआ तो हुजूर उनकी तदफीन के लिए कब्र में उतर गए। हजरत फातिमा चची के कब्र में उतर गए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी मोहब्बत फरमाते। तो हजरत फातिमा बिन असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अपने बच्चे को झूले में डालकर किसी काम में मशगूल थी, कुछ देर के बाद मैंने देखा कि एक बड़ा सांप मारा पड़ा है और मैं दूर ही देख रही थी, मैं इतनी करीब नहीं पहुंच सकी कि बचा सकूं। एक तरफ से सांप आ रहा था, उसी दरमियान में झूले में से हजरत अली रजी अल्लाह तआला जिनको झुलाया जा रहा है कमरे में झूले में से उठते हैं और अपना हाथ बढ़ाकर सांप पर ऐसा मारते हैं कि वो मर जाता है। तो हैदर आप उसी वक्त कहती हैं कि ये मेरा शहजादा हैदर है। हैदर किसको कहते हैं? वो शेर जो ऊंचाई से नीचे उतरकर अपने दुश्मन पर हमला करे उसको हैदर कहते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला का लक़ब हैदर, आपकी वालिदा माजिदा ने उस वक्त आपको याद किया इस नाम से जब आप अभी चूल्हे में दूध पीने वाले बच्चे थे। तो हाजिरीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला को अपनी हिफाजत करना खुद चाहते हैं, खाबो झूले में क्यों ना, वो दुनिया में लोगों को सहारा देने आए हैं, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, अल्लाह उसके रसूल सहारे के लिए काफी है। ये हजरत सैयदना मौला अली रजी अल्लाह तआला की शान है। फादर हाजरीन बड़ी बड़ी आपकी सीरत पाक की कई किताबों में लिखा हुआ है, उन्हें में से एक वाकया ये भी बयान किया जाता है कि हजरत सैयदना मौला अली रजी अल्लाह तआला हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लेकर बाजार गए थे। बाजार में से आपने एक खरबूजा खरीदा, बाजार से आपने एक खरबूजा खरीदा और उसे घर लाए, काटा, तनावर फरमाया, पहले हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया, वो देखकर चखे, चखने के बाद कहने लगे कि ये करवा है, ये करवा है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि इसके दिल इस ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता था इस वजह से ये करवा। तो गौर कीजिए कि एक हल भी अगर हो और वो हजरत अली से मोहब्बत ना करे
मुसलमान होने का दावा करे और वो हजरत मौलाना अली से मोहब्बत ना करे, दिल में आपकी मोहब्बत ना हो, तो उसकी जबान भी कड़वी, उसका दिल भी कड़वा, उसका जिस्म भी कड़वा, उसकी जिंदगी भी कड़वी, कब्र भी कड़वी, आखिरत भी कड़वी है। और ऐसे कड़वे लोगों से के साथ बैठे उठेंगे तो हम भी कड़वे हो जाएंगे। तो खुद को बीमा रखना चाहते हैं तो उन लोगों की सोहबत में रहिए जो मौला अली से मोहब्बत करते हैं। आगे मेरी ग्राम हजरत सैयदना मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान हजरत क्या बयान की जाए। एक शख्स आपकी खिदमत में आते हैं और अर्ज करते हैं कि हजरत मैं सफर करना चाहता हूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमाइए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भेड़िया आ जाए, कोई जानवर आ जाए रास्ते में। तो पुराने जमाने का सफर था, आप लोग आमतौर पर कबीले के साथ करते थे, काफिले के साथ करते थे, अगर काफिला नहीं मिलता तो तब आप कर लेते थे, तो अभी के साथ कोई काफिला नहीं था इसी वजह से वो परेशान थे। तो कहने लगे हजरत आप दुआ फरमाइए, तो हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला ने अपनी अंगूठी अता फरमाई और इरशाद फरमाया, अगर ऐसा कोई जानवर जो तुम पर हमला करे, अगर सामना हो जाए तो मेरी अंगूठी बता दे, बस इतना काफी है। तो हाजरीन को आपकी इजाजत देकर निकले, रास्ते में वाकई एक भेड़िया भेड़िए का सामना हुआ, वो हमलावर होना चाहता था, तो आपके खादिम ने आपकी सोबत के फैसियाता इस शख्सियत ने अंगूठी उसको जब बताई तो वो फौरन हमला करने वाला रुक गया और आसमान की तरफ से उठाया, जमीन की तरफ से उठाया और कुछ कहने लगा, उसके बाद पलट कर चला गया, पलट कर चला गया। ये अपना सारा काम सफर करते कर लिए, फिर वापस आ गए, तकलीफ करने के बाद अर्ज करने लगे, हजरत आपकी अंगूठी मेरे इतना काम आई कि मेरी जान बख्शी हुई, मेरी जान बच गई, वाकई अगर एक भेड़िए का मेरा सामना हुआ, मैंने आपकी अंगूठी बताई, तो वो कुछ पुकारने लगा आसमान और जमीन की तरफ सर करके। तो हजरत मौला अली रजी अल्लाह फरमाते हैं, वो भेड़िया ये कह रहा था कि ऐ परवरदिगार, जिस जगह ऐसे लोग रहते हैं कि जो जिनको हजरत अली ने अमन दिया है, परवाना दिया अमन का कि तुम महफूज हो, तो हजरत अली ने जिनको अमन और सलामती का परवाना दिया है वो उस इलाके में रहना पसंद नहीं करता, ये कहकर भेड़िया अपना मकान छोड़कर चला जाता है। मौला अली के ये खादिम आपकी सोहबत याफ्ता अपना वतन छोड़कर भेड़िए के इलाके में गए थे, तो गुलामाने अली जिस इलाके में चले जाते हैं वहां के भेड़िए भी वो रास्ता छोड़ देते हैं। ये नस्बत अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई, माशाल्लाह इस पर कितना नाज करें कम नहीं। हज़रत हाज़िरीन बहरहाल बड़ी असमतों वाली शख्सियतें दीन इस्लाम में गुजरी, हम जैसे नाबिकारों को उनका सहारा काफी, लेकिन अफसोस की बात है कि ये उम्मत मुस्लिमा अपने अकाबिर को भूल गई और मौजूदा जमाने के लोगों को भूल गई, फला यहूदी ऐसा है, फला ईसाई ऐसा है, वो फला है मुस्लिम ऐसा है, कब तक हम दूसरों की तारीफ करते रहेंगे, दूसरों को देखते रहेंगे, अपना आइडियल और अपना पेशवा अगर किसी को जानना है, देखना है, समझना है तो अपने बड़ों को समझिए, उनके सहारे काफी है, उनका आसरा काफी है, उनकी जिंदगी हमारे लिए काफी है, हम गैरों की तरफ झांकना छोड़ें। पिछले जमाने में जो किताबें लिखी गई हैं कम से कम उन किताबों में झांके पढ़ेंगे तो पता चलेगा कैसे कैसी बेमिसाल शख्सियतों को अल्लाह ताला ने इस्लाम में भेजा। हजरत सैयदना मौला अली रजी अल्लाह तआला, अब आप यहाँ से समझ जाइए कि हाजिरीन अगर मौला अली का कोई चाहने वाला है, उसकी सिफत भेड़िए के भी हो तो वो इंसानों से अच्छा हो जाता है, माफ करने की आदत उसे आ जाती है, अपना लुकमा छोड़ देता है, अपना शिकार छोड़ देता है, फितरत बदल देता है। तो मौला अली की अंगूठी भी सामने नजर आ गई, भेड़िया अपनी फितरत बदल दिया और हजरत अली की मोहब्बत हमारे दिलों में है, फिर हम इंसानियत छोड़कर हैवानियत में कैसे जा रहे हैं। यहाँ बात गौर करने की, वाकई अगर हमारे दिलों में हजरत सैयदना मौला अली हजरत करार रजी अल्लाह तआला की मोहब्बत होती जैसी होनी चाहिए थी, कम से कम उतनी जितनी को जितनी के भेड़िए को थी, उतनी भी कम से कम होती, बदला लेने की आदत खत्म कर देते, गाली गलौज का माहौल खत्म कर देते, तान और तशनी का माहौल खत्म कर देते,
आप गौर कीजिए कि मौला अली की मोहब्बत करने वाला, आपसे मोहब्बत रखने वाला अपने जमाने के आदमी को कुरान नहीं कहता, फिर गुजरे हुए अकाबिर बुजुर्ग वो जो हुजूर के सोबत याफ्ता सहाबाए किराम है उनके खिलाफ में जबान कैसे खुल सकती है रूपे अली रखने वाले को वाले की, जिनको नबी ने पाला पोसा उन बुजुर्गों के खिलाफ में कैसे दिल में नफरतें आ सकती है। याद रखिए कि बुजदिली बदतीनती बदकलामी और नफरतें हजरत मौला अली की मोहब्बत एक दिन में जमा नहीं हो सकती। भेड़िए के दिल में मौला अली की मोहब्बत थी तो उसने चीर फाड़ करने की आदत छोड़ दी। इंसान तो न चीरता है न फाड़ता है, वो तो मोहब्बतें बांटता है। फिर ऐसे इंसान के दिल में हजरत अली की मोहब्बत आ जाए फिर वो तो फरिश्ता सिफत होगा, फरिश्ते उस पर नाश करेंगे कि कैसा बंदा है और कितना पाक साफ है। तो ये आदत या अखलाक ये सिफात हमें पैदा करने की जरूरत है। आपके औसाफ जमील बेशुमार, मैंने खसूसियत बयान की है, ऐसे ही आपकी बहुत सारी खसूसियत नहीं तो बातों में ये भी असर कहा देगी। सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु तआला की जिंदगी इंतहाई सादा जिंदगी, रख रखाव से वसीनत आला मियार और वो दिखावा वगैरह इस किस्म की सारी चीजों से पाक आपकी जिंदगी। अंदाजा करना है तो बस इतना कर लीजिए, वैसे बहुत सारी सीरतें बाकी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन हजरत शेखुल इस्लाम बाकी जामे निजामी इमाम अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अपनी तस्दीक मकासिदुल इस्लाम में से पंजो में तहरीर फरमाते हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बदन पर दो चादरें थी और वो भी पुरानी, इतनी के बास मकामात से फटी थी, बाज मकामात से पड़ी थी। और ये उस दौर की बात नहीं है कि खुलफाए राशिदीन खुलफाए खलाफा का जमाना हो, हजरत अबू बकर हजरत उमर हजरत उस्मान गनी का जमाना नहीं था, हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत की बात है। क्योंकि गलत है कि शैतान कुछ भी दिल में डाल सकता है, नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह का चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लोग हजरत मौला अली की मोहब्बत में खुलफाए राशिदीन को बुलाते हैं, ये अहले सुन्नत का मिजाज नहीं, अहले सुन्नत का इत्तेबा नहीं है। अगर कोई ऐसी बात रखता है दिल में साफ कर ले, वरना हजरत अली जो कयामत के दिन लोगों को अपने हाथों से जामे मौतर पिलाएंगे सरकार के दस्ते पाक से लेकर, जिनके दिल में नबी के जानकारों की का बुख्स होगा उसे नहीं देंगे जामे मौतर, उसे हरगिज न देंगे। याद तो बहरहाल मैं ऐसे करना चाहता हूँ कि आपके दौरे खिलाफत की बात है, चादर आप ओढ़े गए, किसी ने पूछा कि हजरत पुरानी चादर आप क्यों ओढ़ गए, तो इरशाद फरमाते हैं कि इन पुरानी चादरों में जो लुत्फ है वो मजा कहाँ नई चादरों में आता है। खलीफा वक्त है अमीर मोमिनीन है, लेकिन पुरानी चादरों में जो लुत्फ है पहनने में ओढ़ने में उन्हें लिबास में काम मिलता है। अब गौर कीजिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला का मिजाज पर हमारे मिजाज में कितना फर्क है। आपका मिजाज ये था कि मामूली सा लिबास पहने, मिजाज ये था कि मामूली से गुजार खाए, सादा जिंदगी गुजारे, लेकिन आज हमारा मिजाज ये है कि एक मरतबा वो जो पहले औरतों में हुआ करती थी, खवातीन में आदत होती थी एक मरतबा एक कपड़ा पहन लिए फिर दावत में वो रह पहनना दूसरा ही पहनना, वो मिजाज आज मर्दों में आ चुकी है। और तो भी हम तो होना चाहिए माशाल्लाह अच्छी बात है, जेबो जीनत अल्लाह ने उनको जेबो जीनत करने के लिए बनाया, मर्दों को नहीं मगर जेबो जीनत के लिए नहीं बनाया। लेकिन मर्दों में ये मिसाल आ चुके हैं कि ये शादी में ये पहन लिए फिर तो अगले शादी में फिर और एक, अरे लोग क्या समझेंगे, और लोग तो ऐसा सच भज के शादियों में जाते हैं कि गोया वही नौशा है, मिसाज बन चुका है। शादी देखिए मौला अली रजी अल्लाह तआला हटने के करीब है, काश मामा से फटी हुई चादर थी और हाजिरी थी। अब ये मत समझिए कि ये कोई गुर्बत की बात थी, ये नबी के जानिसार हैं, दुनिया और उसकी दौलत को अपनी ठोकर में रखते हैं, दुनिया और उसकी दौलत को अपनी ठोकर में रखते हैं। ये अगर चाहते हैं तो जन्नत का लिबास आता उनके पास, कोई नाजुक की बात नहीं है, मुबारक आ रही अपनी हिम्मत है, जन्नत का लिबास आता अगर चाहते, लेकिन ये जानते हैं कि ये दुनिया में क्या करता है। और वो ये भी जानते हैं कि मेरे चाहने वालों में
अमीर भी होंगे गरीब भी होंगे। और ये भी जानते हैं कि अगर मैं नया नया लिबास पहनता रहूंगा बेचारे मेरे चाहने वाले गरीबों का क्या होगा, उनकी तमन्ना रह जाएगी कि काश मैं वैसा लिबास पहनता जो हजरत अली ने पहना, नहीं पहन सकेगी। इसीलिए आपने गरीबों की मदद करवाई, आसान कर दिया आपके तरीके पर चलना, आपकी सुन्नत पर चलना। अभी ये तो कर सकता है, गरीब भी कर सकता है। हाजिर इकराम एक मरतबा एक शख्स ने आपके खिदमत में नई चादर हदिया पेश की, उसका दिल रखने के लिए आपने पुरानी चादर उतारी, नई चादर ओढ़ ली। फिर कुछ देर के बाद पुरानी चादर ओढ़ ली, नई चादर किसी एक जरूरतमंद को दे दी। लोगों ने अर्ज किया कि हजरत नई चादर की ओढ़ लेते अच्छा नजर आ रहा, तो आपने फरमाया मगर मुझे अच्छा नहीं दिख रहा। क्यों? फरमाते हैं पुरानी चादर में जो लुत्फ है वो ये नई चादर में नहीं है। मतलब ये हुआ कि बुजुर्ग हजरात के बदन से जो लिबास मस कर जाता है, जो लिबास वो इस्तेमाल कर लेते हैं, उनके बदन की बरकतें भी उस लिबास में मुंतकिल हो जाती है। ऐसा समझ लीजिए जैसा कि खुरदुरी चादर अगर हम ओढ़े छुपने वाली, तो जैसे हमें नींद नहीं आती बेचैनी होती है, नई चादर नर्म भी हो अगर वो ओढ़ लें तो उनको बेचैनी होती है, क्योंकि वो उनके मिजाज की तबीयत के खिलाफ होता है, उनकी तबीयत और उनके मिजाज के खिलाफ होता है। अरे ने कहा हजरत सैयद अली रजी अल्लाह तआला कूफे में जब आपका दारुल खिलाफा रहा है खलीफा थे, उस वक्त की बात बयान की जाती है कि आपको अगर कहीं सफर करना होता तो आप सबको अपने घर में बना लेते और अपनी चादर में लपेट लेते, सफर करते जहां भूख महसूस होती दो तीन लोग में सत्तू के खा लेते, किसी भी मकाम पर पहुंचकर उस इलाके की गिजा वहां का खाना वहां का लुकमा आपने खा लेते, अपने साथ जो होता था वही खाते। लोग पूछते तो इरशाद फरमाते कि इस लुकमे में हलाल का जो मेयार है, किसी और के पेश किए हुए लुकमे में वो हलाल का मेयार कहां हो सकता है, तो मैं खालिस हलाल गिजा खाना चाहता हूँ जो मेरी अपनी मेहनत की है, इस वजह से सफर में ऐसा खाना आप खा सकते हैं। अब गौर कीजिए कि इस मेयार जिंदगी के मुताबिक मुसलमान उम्मत मुस्लिमा अगर अमल करे तो फिर वो खिलाफत जो मौला अली के जमाने में उसका जो रोग दबदबा था, शाहाने वक्त काट जाते थे, वो रोग दबदबे की कैफियत आज भी मुसलमानों को मिल सकती है। शर्त यह है कि आपके तरीके का बहरा हाजिर निकला। आपके बाकी हालात तो बहुत सारे, एक आखिरी बात अर्ज करूंगा। एक मरतबा एक दुश्मन मैदान जंग में आप दुश्मन पर काबू पा गए, और ऐसा दुश्मन के अरब के 100 पहलवान उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने एक लम्हे में उसे जमीन पर पटक दिया, सीने पे मर गए, तलवार चलाना चाहते थे उसने आपके मुंह पे थूक दिया। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला उसे छोड़कर रुक गए। उतना बड़ा पहलवान कहने लगा अली क्या हुआ, पहले उसने कहा था कि तुम बच्चे हो मैं तुमसे क्या मुकाबला करूं, अपने बड़ों को भेजो। तो हजरत अली फरमाते हैं तू बच्चे से तो मुकाबला करके दे। उस वक्त आप नौजवान थे, दीगर साहब इकराम तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी उम्र के हजरात थे, तो बच्चे को तो तू शिकस्त दे के दे। लेकिन आपने ऐसा हरबा इस्तेमाल किया कि लम्हे में वो जमीन पर आ गया, लेकिन छोड़कर रुक गए। वो कहने लगा कि आपने मुझे छोड़ा क्यों, ये तो ऐसा मौका है कि इतने बड़े नामी गिरामी पहलवान को कत्ल कर देते हमेशा के लिए तारीख रकम कर दी जाती। तो अल्लाह के मौला अली रजी अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे तेरी जात से कोई जाति दुश्मनी नहीं, तेरी जात से मुझे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, अब तक मैं जो तुझसे लड़ रहा था ये अल्लाह उसके रसूल के लिए, लेकिन जब तूने मेरे मुंह पे थूका मेरे नफ्स ने कहा कि अली करनमबर हो जाओ, जिस चेहरे के लिए कहा जाता है इस बदबख्त ने उस चेहरे पे थूका, काट दो इसकी गर्दन, तो मैंने नफ्स की मुखालफत की और तुझे छोड़ दिया। तूने मेरे चेहरे पे थूका, मैं अपनी जात के लिए तुझसे बदला लेना कभी पसंद नहीं करता। तो आलिम जैसे अली हैं, मौला अली के चाहने वाले भी वैसे होते हैं। ये मिजाज अगर उम्मत मुस्लिमा में आ जाए माशाल्लाह हर तरफ अपनी सलामती रहेगी। मौलाए कायनात सैयदना हजरत अली करा मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मुसीबत आए तो आप टाल देते हैं, नफ्स से जब जंग करना होता है तब भी आप मुश्किल कुशाई फरमाते हैं।
शैतान से जब लड़ना होता है तो शैतान कहता है ये करो गुना, ये गुना करो, ये गुना करो, और तवज्जो कर लीजिए मौला आने मुश्किल कुशा की तरह। शैतान को मात देंगे, हमारे नेक इरादे को सुधारेंगे। मुश्किल कुशाई सिर्फ एक मैदान में नहीं है, मुश्किल कुशाई मौला आने की कब्र में भी काम आने वाली है, मुश्किल कुशाई मौला आने की जिंदगी में भी काम आने वाली है, मुश्किल कुशाई मौला आने के इस पुरफितम दौर में जहाँ सारा जहाँ मुसलमानों को पीस करना चाहता है। नारे अली लगाकर तो देखिए, सिर्फ जबान से नहीं दिल और अमल से भी। नारा सिर्फ जबान से नहीं लगाया जाता, जिस्म का रोंगटा रोंगटा यहाँ अली करता है, दिल की धड़कन यहाँ अली कहती है हमनमा, ये कैफियत आ जाए फिर देखिए माशाल्लाह सारी दुनिया भी अगर मुसलमानों को मेटना चाहे मजाज जो उसकी एक कदम पीछे हटा सकते। क्यों? हजरत शेखुल इस्लाम पानी जामी निजामिया इमाम अंदारुल्ला फारूकी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला इब्ने अब्द वुद बड़ा नामी पहलवान था, जब उसको जमीन पर पटक दिया, मुकाबला किया, उसे खत्म कर दिया, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली कैसा महसूस हो रहा था जब आप उसका मुकाबला कर रहे थे, अरब जिससे डरता था सामा को क्या होगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला तुम्हें जवाब उसके मुकाबले में तो सरकार से उन्होंने अर्ज किया कि हजरत सरकार शहर के सारे लोग भी अगर उस वक्त मेरे मुकाबले में होते मैं सब पर गालिब आ जाता, मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ। ये तो एक आदमी था शहर का, ये एक आदमी था ऐसी बहादुरी और शजाअत रखने वाले जात के पास, अपने चाहने वालों को ये बहादुरी आप नहीं देंगे, उनके पास तो बहादुरी शजाअत जवान मर्दी के खजाने। माफ कर तो देखिए बुजदिली खत्म हो जाएगी मुसलमान, ताकत और कुव्वत आ जाएगी, हिम्मत हमारी पुष्ट पड़ानी करेगी। शर्त ये है कि हाजिरी तवज्जो लेना चाहिए, बुजुर्गाने दिन हमें तवज्जो लेने की तालीम देते हैं, औलिया इकराम सूफिया इकराम तालीम करते हैं, सिखाते हैं कि तवज्जो बुजुर्गों से कैसे, मौला अली की तवज्जो लेकर देखिए, मुराकबा जिसे कहते हैं, हजरत अली के नाम का विद करिए, तवज्जो लीजिए, वाकईतन इस कैफियत के साथ आपकी खुदबत हासिल की जाए, खालिस जो अकाबिर और बुजुर्गों में मोहब्बत की मौला अली की वो मोहब्बत हमारे दिलों में आएगी, झूठी लोगों की बनाई हुई मोहब्बत नहीं आएगी। और हकीकत में मौला अली की मोहब्बत क्या होती है तब पता चलेगा, जैसे दूध और पानी पीने पर महसूस होता है, रोंगटा रोंगटा जिस्म का अपनी अपनी कुव्वत महसूस करता है। मौला अली की तवज्जो लेकर देखिए, दिमाग जिस्म तसव्वुर जिस्म का एक एक बाल महसूस करेगा कि माशाअल्लाह क्या नेमतें मिल रही हैं। बहरहाल हाजरीन इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को खास तौर पर बातों से ज्यादा अमल करने की जरूरत है, बातें तो सब कर लेते हैं, बैठ के देखिए कभी 10 मिनट मौला अली का तसव्वुर करके बैठ के 10 मिनट शैतान बैठने नहीं देगा आपको, आदत डालिए, फिर उसके बाद देखिए फैज के दरवाजे कैसे खुलते हैं, समंदर मोजे मारते हुए आएगा, न दिल बर्दाश्त करेगा न दिमाग, ये कैफियत होगी और वो बर्दाश्त की कुव्वत भी उन्हीं से मिलती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो नेमतों को बर्दाश्त करने की कुव्वत भी हजरत ही से मिलती है। तो मेरा हाजिर बड़ी सादत मिलती है हमारी हजरत का जिक्र बार हमने कहा सुना, आपके फैज लेने के लिए भी हमारे सामने हजारों रास्ते हैं, माशाल्लाह कोशिश कीजिए कि मौला अली का फैज हमें मिल जाए, आपके साथ पाक की नियामतें मिल जाए, अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ हमने कहा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, सैयदना मौला अली रजी अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत हमें अता फरमाए और आपके तसद्दुक में हमारी दुनिया आखिरत कब्र हश्र कामयाब बनाए। रब्बुल आलमीन हजरत मौला अली के तसद्दुक में हमारी बख्शीश फरमा, गुनाह को माफ फरमा, ये पाक पर मेरा हमारे जाहिर और बातिन को हक साफ फरमा, सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद वाली वसहबी अजमाईन, والحمد لله رب العالمين.